उज्जैन जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों से 4 लाख कीमत के सोने के आभूषण जब्त किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन से गुजरात जयपुर को जाने वाली ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। इस दौरान आदतन बदमाश रूपेश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने 2 बड़ी चोरी की वारदात को कबूल किया। उसके बाद आरोपियों से पुलिस ने सोने के आभूषण और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। आरोपियों से जब्त किए गए सोने चांदी की कीमत करीब 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि और भी वारदातों का पता लगाया जा सके। चोरों को पकड़ने में रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि पुलिस को कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना के बाद स्टेशन पर घूमता एक संदिग्ध कैमरे में नजर आया था, जिसकी पहचान हिस्ट्री शीटर रूपेश के रूप में हुई थी। तो घटना हुई थी शांति एक्सप्रेस में, करीब 1 माह पूर्व हुई थी स्टेशन पर। इसमें एक अहमदाबाद के व्यापारी मोहम्मद रजा का एक लेडीज पर्स गया था, जिसमें करीबन 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और मोबाइल था उनका। जिस दिनांक को घटना दिनांक को जो चोरी गया था, उस समय के जब सीसीटीवी फुटेज इंस्पेक्टर साहब चौहान साहब ने देखा आरपीएफ, तो उनको एक व्यक्ति सस्पेक्टेड दिखा उसमें कोच के पास उतरता चढ़ता हुआ। तो मैंने और चौहान साहब ने उसको जब आइडेंटिफाइड किया तो वो हमारे थाना जीआरपी का स्ट्री सीटर रूपेश नागा निकला। जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना कारित करना कबूल किया और उसके पास से चुराई हुई संपत्ति में से 4 सोने की चूड़ियाँ बरामद हुई और बाकी 2 अंगूठी उसने अपने एक दोस्त ब्रजेंद्र को दी थी, जो उसके पास से जब्त हो चुकी हैं, और 2 चैन और 1 मोबाइल उसने अपने दोस्त पप्पू को दिया था, वो भी जब्त हो चुका है। इसके अलावा उसने एक चोरी करना और कबूल की थी इंदौर उदयपुर ट्रेन से, जिसमें उसने एसी कोच में से 2 आईफोन चुराए थे, वो भी उसके पास से जब्त किए जा चुके हैं। कुल करीबन 4.25 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या रूपेश नागर जो उसमें से मुख्य आरोपी है, वो थाना जीआरपी का एसटी सीटर है। अन्य के खिलाफ थाना जीआरपी में कोई अपराध नहीं है, लेकिन अन्य सिटी के थानों से पता किया जा रहा है। कुल मिलाकर जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी भी ट्रेनों की वारदातों के लिहाज से पुलिस को अभी भी मुस्तैदी और कारगर एक्शन प्लान बनाना आवश्यक है, जिससे यात्री निडर होकर यात्रा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।